फॉक्स इस एरिया में देखी हमने, ऊपर देखी थी एक दिन। और एक छोटा सा इंटरेस्टिंग जानवर होता है, जब आप लोग टॉप पे जाएंगे ना, हो सकता है किसी को दिखेगा किसी को नहीं दिखेगा, पत्तों के बीच से निकलता है माउस, लेकिन उसको हिमालयन पाइका बोलते हैं। जैसे जैसे आपने ह्यूमन उसमें भी देखा होगा, जैसे जैसे जो क्लाइमेट है ना, वैसे वैसे फेस ही चेंज हो जाते हैं, है ना। साउथ में जाएंगे अलग है, नॉर्थ में जाएंगे तो अलग है, ईस्ट में जाएंगे तो अलग है, वेस्ट में जाएंगे मिडल में अलग अलग है ना। वैसे ही अपना यूरोप की कंट्रीज में देखा ना, उनकी स्किन बिल्कुल वाइट होती है, वहाँ पे वो स्नो में रहते हैं, कुछ रीज़न रहता है। वैसे ही उसने भी अपने आप को डाल दिया है, उसकी पूंछ नहीं होती, पूरा माउस दिखेगा माउस की तरह, उसकी पूंछ नहीं होती और कान थोड़े से लंबे होते हैं, बड़े बड़े आंखें बड़ी बड़ी, बहुत प्यारा सा दिखता है। और दो तीन बार दिखा हमें, माउस ही दिखेगा पूरा ब्लैक ग्रेश ही रहेगा। वाइल्ड लाइफ के अगर उस जगह को छोड़ देती है, यहाँ पे उसको डिस्टर्ब हो रहा है ना, उस जगह को छोड़ देते हैं, वो चले जाते हैं यहाँ से। जैसे ही यहाँ पे आजकल बहुत सारी समर में विंटर में एक्टिविटी हो रही है, बहुत सारे ग्रुप आ रहे हैं जा रहे हैं, शाउट हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं वो, मतलब कि 300-400 मीटर दूर चले जाते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं देखने के। बाकी पक्षियों के बारे में, यहाँ मेन अट्रैक्शन तो मोनाल है, लेकिन दिख नहीं रहा है आजकल, वो शाही टाइप का पक्षी होता है, वो ऊपर दिखेगा आपको, वहीं से उसको अगर मूवमेंट लग गई, पता कि कुछ आ गया, वो उठ जाता है, दूर चला जाता है। और मोनाल पहले हिमाचल का स्टेट बर्ड था, उसकी स्पेशलिटी क्या है, उसके सर पे ना ऐसे कलगी टाइप, मोर के कैसे होती है ऐसे फर होते हैं, वो फर 12 से लेके, जब स्टार्टिंग में जो चूजा उसका मैच्योर होता है ना, 12 से स्टार्ट होते हैं और 32 सबसे ज़्यादा देखे गए थे, जिसके फुल मैच्योर था जो, उसके 32 फर थे। और मॉर्निंग में जब एक बार ही देखा है मैंने अपनी लाइफ में, तो क्या हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, तो मॉर्निंग का टाइम था अपने उधर ही, तो मोनाल का एक झुंडा है पर ऐसे ऐसे जा रहा था साइड से, अगर उनको हल्की सी भी मूवमेंट फील हुई तो उड़ जाता है, तो वहाँ पे वो पत्थर पे बैठ गया एक मेल, मेल का अलग कलर होता है, फीमेल का अलग होता है, तो जैसे ही उस पर सनलाइट पड़ी ना, तो उसके जो फर है ना और जो पंख है उसमें पूरा रेनबो का कलर दिखाई देता है पूरा, ये उसकी स्पेशलिटी है। फिर यहाँ पे सर वो झुंड में रहता है कि फिर सिंगल रहता है? झुंड में रहते हैं, लेकिन जब ब्रीडिंग सीजन आता है ना, उस टाइम वो जोड़ा बना लेते हैं मेल एक फीमेल, फिर अलग अलग हो जाते हैं। कलर मेल का थोड़ा सा ग्रीन और रेनबो कलर रहता है, फीमेल का ग्रेइश थोड़ा अलग रहता है, पता लग जाता है। फीमेल का जो हेड पे जो फर रहता है ना, उसका कलर भी अलग होता है। उसके बाद यहाँ पे क्रो कॉमन है, आजकल लोग यहाँ पे खाना वगैरह बेस कर रहे हैं, साइड में फिट रखा होता है, तो क्रो भी यहाँ दिखा। उसके बाद नेट क्रैकर है यहाँ पे, जो ये वाइल्ड जो भी नेट है ना, लेकिन एक तो इसमें गोल्डन ओक में एक वो लगता है तो उसका जो उसको उस पर सर्वाइव करते हैं। बाकी चेस्ट नेट हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। बाकी ऑंधी भी आप लोगों ने वो देखी होगी, डेरी देखी ना छोटी? हाँ सर, वो छोटी है, ब्लू टाइप, ब्लूइश डार्क ब्लू टाइप। हाँ वो हम लोग नहीं खा सकते उसको, पक्षी खाते हैं उसको, वो फार्म में तैयार नहीं होती है, वाइल्ड है। और जब तक हमें किसी चीज़ का नॉलेज ना हो, तब तक वाइल्ड चीज़ों को छेड़ना नहीं चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती है माइंड से। और एक और चीज़ देखी होगी अपने, एक ग्रीन ग्रीन से बुशीज दिखी थी, बेम्बू टाइप की दिखी थी आपको अंधेरे? नहीं, फिर आप लोगों ने सिर्फ रास्ता ही देखा, थोड़ा सा आगे गए थे ना, थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन बुशीज, और यहाँ से भी जाएंगे थोड़ा सा दिखेगी, नीचे को ज़्यादा है वो बेम्बू बुशीज है। ओके, उसका लोकल उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होती है उसका। यहाँ पे लोकल लोग क्या करते हैं, बास्केट बनाने में यूज़ करते हैं। ओके, जो विलेज जो हैंडक्राफ्ट हैंडक्राफ्ट करते हैं ना, वो छोटा सा बास्केट उसी से बनाएंगे और बड़ा सा भी कैरी करने के लिए। नीचे आप लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा होगा, मॉर्निंग में वो लोग गाय का गोबर वगैरह ले जाने के लिए या घास ले जाने के लिए बड़ा सा बास्केट बनाते हैं, बैक साइड कैरी करते हैं। क्लियर है? यस सर। ओके, बाकी ऑन दी वे देखते हैं, जो जो मिलता जाएगा उसके बारे में डिस्कस करते जाएंगे। और इसको एक सिंपल सा जो ये वाला ट्री है ना, ये छोटा अभी ये फुल मैच्योर नहीं हुआ, वो देखो ये बीच वाला इतना सा, इसको ऑलमोस्ट 20 से ऊपर का साल लगा होगा इतना सा। और ये तो
डेढ़ सौ दो सौ साल लगते हैं। अभी तो बॉर्न फाइन के लिए मना किया था, अगर इस पेड़ को 200 साल बड़े होने में लग रहे हैं ना, अगर इसको जलाएंगे दो दिन भी नहीं लगेंगे। सर आप बोल रहे थे डेड वुड है, मतलब जो भी डेड ट्री है तो कैसे? तो है ना, जितना ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है ना, उसके साथ साथ जो उस एरिया का एक बीट होता है, बीट चूज करते हैं, एक रेंजर रहता है, एक रेंजर के अंदर 3 फॉरेस्ट गार्ड होते हैं। ओके, उनको अलग अलग एरिया दिया होता है। उस एरिया के बाद उन लोगों ने क्या, उनका उन्होंने केयर करनी होती है इस चीज की, बचाना है इस चीज को। लेकिन जो डेड वुड है ना, उस पे फर्स्ट कॉपीराइट विलेजर का होता है, सॉरी गांव वालों का। ओके, गांव वालों का कॉपीराइट होता है कि उन्होंने, अभी तो एलपीजी आ गया, पहले उससे पहले क्या था, उसी से खाना बनाते थे, उसी से सब कुछ करते थे। तो अगर जो गिरा हुआ पेड़ है उस पे फर्स्ट कॉपीराइट होता है विलेजर का। और अगर हम लोग इस चीज को जलाना शुरू करेंगे, 4 साल पहले केदारकंठा में जो स्ट्रेंथ आ जा रही है ना, उसका 20% अभी 100% हो गया, अभी ये डबल जाएगा, 200 में भी जा सकता है। तो स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो क्या होगा अगर हम सिंपल से हम जलाएंगे ना एक दिन में, हमें लगता है कि कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा जलाएंगे हम, 6-6 ग्रुप में 4 दिन में इतनी अगर थोड़ी थोड़ी जलाते जाएंगे ना, 4 दिन में आप लोगों ने क्या 8 फीट का वो जला दिया, उसको आप पूरा उसमें जोड़ दो कितना चला जाएगा, आई थिंक 8 या 10 पेड़ का है। वैसे ही सेम है कंपनी उस तरफ, वैसे एक आगे है और ऊपर देखेंगे आप 50 या 60 के आसपास कंपनी यहाँ पे रन कर रही है ये एडवेंचर को। तो अगर सब लोग ये जलाना शुरू कर देंगे ना, तो कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों के, 1-2 साल के बाद ख़त्म। फिर क्या होगा, हैबिचुअल हो गए, काटना शुरू कर देंगे, है ना। तो थोड़ा सा फॉरेस्ट वाले भी स्ट्रिक्ट रहते हैं, वो राउंड अप डाउन करते रहते हैं। तो एक कंपनी का हुआ था कुछ दिन पहले, 40,000 के आसपास वो कटा था, और प्लस उनको एक वार्निंग दी थी साथ में, सेकेंड टाइम अगर आपका यहाँ पे ऐसा कुछ पाया गया तो क्या कर देते, बैन कर देते हैं उस कंपनी को, उसके बाद वो कंपनी वहाँ पे काम नहीं कर सकती। ये रूल्स होते हैं सर गवर्नमेंट के, क्लियर।